हेलो फ्रेंड, नमस्ते। स्वागत है हमारे चैनल में। ये देखिए, हमारा एक बोर्ड है, एक्सटेंशन बोर्ड है मोबाइल चार्जिंग का। बहुत ही शानदार चार्जिंग है। तो ये ख़राब हो जाए या फिर इसको कैसे रिपेयर करना है, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप नहीं करें, ये तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये तो हमारा यूएसबी चार्जर का पिन लगाने का 3 सॉकेट दिया है, 2 सॉकेट मोबाइल चार्जर का एडेप्टर लगाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। और अगर ये तो हर किसी के घर पर होता ही, और नहीं है तो भी वीडियो देख ले, शायद आपको कभी काम आ जाए, ठीक है। तो ये हमारा अभी ख़राब हो चुका है, तो इसको रिपेयर करेंगे। तो बताने वाला हूँ कैसे रिपेयर करना है। सबसे पहले हम लोग इसका ये स्क्रू खोल देंगे। स्क्रू खोलने के बाद में हमें चेक करना है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे पहले वायर चेक करना है। ये देखिए, 2 वायर इधर लगा है और 2 वायर इधर लगा है, ठीक है। ये केबल आई है इसकी मेन सप्लाई की, तो हमें यही चेक करना है कि यहाँ से कहीं सोल्डरिंग तो नहीं टूट गया। तो यहाँ पे तो कुछ टूटा हुआ है नहीं, शायद हमारी केबल भी खराब हो सकती है, वो अभी चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 2 वायर आए हैं इसका, तो दोनों, ये सोल्डर इधर है, ये दूसरा इधर है, एक इसका इधर चला गया, एक इसका इधर चला गया, दोनों सॉकेट में हो गया। और ये जो यूएसबी का चार्जिंग है उसमें भी ये दोनों वायर चला गया। अभी ये कंट्रोल करके आगे यूएसबी मोबाइल चार्जिंग के लिए दे देगा, ठीक है। तो हमें भी इसको चेक करना है। आपके पास मीटर है तो ठीक है, और मीटर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इसको वैसे भी चेक कर सकते हो टेस्टर की मदद से। इसको टॉप पिन में डालना है और फिर यहाँ पे चेक करना कि पावर आ रहा कि नहीं, ठीक है। तो हमारे पास मीटर है तो हम लोग मीटर से चेक कर लेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूटी पे लगाना है हमारे मीटर को। ये हमारा मीटर है, देखिए, ये देखिए कंटिन्यूटी अभी ऑफ बता रहा है। जैसे ही हम लिड को मिलाएंगे इसमें ऑन दिखाएगा, ठीक है। ये देखिए दिखा रहा ना। तो अभी हमें क्या करना है, इसका एक सिरा लेना है पिन का और इधर टच करना है। इधर टच कर दिया, नहीं आ रहा है, मतलब ये देखिए, इधर टच कर दिया नहीं बता रहा है, इधर टच कर दिया नहीं बता रहा है, इसका मतलब हमारी केबल कहीं से ख़राब हो गई। दूसरे को चेक करते हैं हम लोग। ये दूसरा पिन पे लगा लेता हूँ मैं, ये देखिए बता रहा है, मतलब हमारा एक वायर का सप्लाई इधर आ रहा है, एक वायर कहीं से अंदर से लीकेज हो चुका है, ठीक है। तो इसको हम लोग रिपेयर कर लेंगे, या तो हमें केबल पूरा चेंज करना है, और या फिर केबल चेंज नहीं करना है तो इसको कहीं से देखना है, कहीं से जला हुआ तो नहीं है। तो इसको हम लोग देख रहे हैं तो कहीं से भी जला हुआ नज़र नहीं आ रहा है, तो हम लोग इसका केबल ही दूसरा डाल देंगे, प्रॉब्लम ही ख़त्म, ठीक है। और इसके अंदर क्या झमेला है वो बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो इसका भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये तो हमें पता चल ही गया कि हमारा केबल ख़राब है, तो वो फेज नहीं आ रहा, तो न्यूट्रली आ रहा है, तो कैसे चलेगा। ये देखिए, ये झमेला है कुछ नहीं। ये देखिए, इसमें ये यूएसबी चार्जिंग की पिन यहाँ पे कनेक्ट होती है, और ये कुछ नहीं है। ये देखिए, कैपेसिटर लगा रखे हैं, एक छोटा सा ट्रांसफार्मर दिया है, ये कैपेसिटर है, ये देखिए ये डायोड है, ये डायोड है, और ये देखिए रेजिस्टेंस है, आईसी है, ऐसे करके तीनों डाल रखा। और इसमें भी ये न्यूट्रल का इधर एन लिखा हुआ है और ये एल लिखा हुआ है, तो ये फेज न्यूट्रल दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो हमें पता चल ही गया है कि हमारा पिन ही खराब है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो हम लोग इसका केबल चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसका केबल चेंज कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, शायद हमें दूर जाने की जरूरत नहीं है, केबल मेरे को पुराना लग रहा है इसका, ये टॉप पिन, तो इसको काट देंगे। उसके बाद हम इसको केबल को चेक कर लेंगे, शायद क्या पता सही हो। तो हम लोग केबल काट लेते हैं, काट दिया है ये वाला। तो अभी हम लोग कंटिन्यूटी तो लगा रखी है, अभी इसको चेक करेंगे। ये देखिए, एक सिरा तो मिल गया इसका, इधर वाला ही हमारा खराब था। ये देखिए, ये तो मिल गया है, दूसरा वाला भी चेक कर लेते हैं, शॉर्ट भी नहीं है, कंटिन्यूटी आ रहा, मतलब हमारा बोर्ड अभी ठीक हो जाएगा और ऑन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग इसमें वोल्टेज चेक करके देख लेंगे। इसको मैं बोर्ड में भरा लेता हूँ। अभी मीटर में लगा दिया है वोल्टेज, और अभी चेक करेंगे, ठीक है। चेक करने पे इधर वोल्टेज बता देगा। ये देखिए, हमारा वोल्टेज आ रहा है, 237 वोल्ट दिखा रहा है मीटर में। तो हमारा बोर्ड ठीक हो गया बिल्कुल भी,
और इस पे टॉप पिन यही खराब था। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।